वही राजधानी रांची से बड़ी खबर आपको बता दें कि यहां पर दिन दहाड़े गोलीबारी की गई है। लोअर बाजार थाना क्षेत्र में चली है गोली, दो की संख्या में आए अपराधियों ने की है फायरिंग। कुछ देर पहले ही फ्लैग मार्च करते हुए गुजरी थी पुलिस और एक व्यक्ति को इसमें कहा जा रहा है कि गोली लगी है, अस्पताल में उसे फौरी तौर पर भर्ती कराया गया है। यहाँ चर्च रोड में शॉपिंग कर रहा था ये घायल छोटू और कहा जा रहा है फौरी तौर पर जैसे ही गोली लगी है उसे अस्पताल ले जाया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें कि यहाँ गोलीबारी देखने को मिली है, कुछ देर पहले ही फ्लैग मार्च करते हुए गुजरी थी पुलिस, जिसके बाद देखा गया कि यहाँ पर गोली चली और इसमें की जख्मी छोटू को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये शख्स शॉपिंग कर रहा था जिस पर ये फायरिंग हुई है और बुरी तरह से जख्मी और फौरी तौर पर इसे अस्पताल ले जाया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, लोअर बाजार थाना क्षेत्र में गोली चली है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज 11 भारत इस वक्त दिखा रहा है। इस गोलीबारी में एक व्यक्ति को गोली लगी, फौरी तौर पर उसे अस्पताल ले जाया गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस यहां पर जानकारी जुटाती हुई नजर आ रही है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी इमरान ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। इमरान का रुख करते हैं। इमरान, कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो कि शॉपिंग कर रहा था उसे गोली लगी है और अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, क्या पूरी जानकारी इमरान के आपके पास, दर्शकों को बताएं। देखिए बिल्कुल, होली और ईद के मद्देनजर जो है बाजारों में ऐसे भी रौनक जो है वो बढ़ी हुई है और भीड़ भाड़ जो है वो काफी देखने को मिल रहा है। लेकिन राजधानी रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र के चर्च रोड में कपड़ा मंडी के पास जो है अचानक बाइक सवार जो अपराधी हैं जो है गोलीबारी की घटना को अंजाम देते हैं। गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति को गोली लग जाती है। वह व्यक्ति जो है बताया जा रहा है कि ईद की खरीदारी या फिर दूसरे होली की खरीदारी करने को लेकर यहाँ पहुंचा हुआ था, अपने परिवार के साथ था, बाइक में वो भी मौजूद था। लेकिन अचानक पीछे इस बार अपराधियों ने उसे गोली मारी, जिसे आनन फानन में वह व्यक्ति जो है वो गिर गया। परिवार के लोग भी जो उनकी पत्नी उसके साथ में मौजूद थी। हालांकि जब वो गिरा तो आसपास के लोग फौरन यहां पे पहुंचे और घायल व्यक्ति को उठा करके जो लोग हैं वो उसे उठा करके हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि घटना के बाद चूंकि कुछ देर पहले ही इस इलाके से फ्लैग मार्च गुजरा था, फ्लैग मार्च के दौरान जो है बड़ी संख्या में सुरक्षा बल थे, तो बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बल थे वो भी यहां पे मौजूद हैं। चीजों की जांच की जा रही है, मामले की जांच की जा रही है। लेकिन अब तक के जानकारी के अनुसार जिन अपराधियों के द्वारा जो गोली मारी गई है वो भागने में सफल रहे हैं और अपराधियों की निशानदेही पर जो है प्रयास किए जा रहे हैं कि गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन गोलीबारी क्यों हुई और किस वजह से यह पूरी घटना घटी इसकी जांच जो है वो पुलिस कर रही है। इमरान, जिनको गोली लगी है उनकी हालत कैसी है अभी? इमरान, देखिए गोली जिनको लगी है उनकी स्थिति जो है बेहद गंभीर है। दो गोली चलने की बात सामने आ रही है और जिस जगह पर गोली चली है हम उस जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये राजधानी रांची का वाई इलाका है जो सबसे व्यस्तम इलाके में से एक है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में से एक है। चर्च रोड का इलाका है, रमजान का महीना चल रहा है, ईद की खरीदारी करने को लेकर के बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं, होली का ये पूरा बाजार है। तो ऐसे में बड़ी संख्या में जब यहाँ पर लोग जुटे हुए थे उस दौरान ही अपराधियों ने इस गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह है कि जो अपराधियों ने गोलीबारी की, ना सिर्फ गोलीबारी की बल्कि गोलीबारी की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी जो हैं वो भागने में सफल रहे हैं। हालांकि घायल व्यक्ति को लेकर के जो है जो बयान जो है लेने की कोशिश की जा रही है, हालांकि स्थिति गंभीर होने की वजह से जो बयान है वो नहीं लिए जा सके हैं। हालांकि पुलिस की कोशिश है, पुलिस को जो शुरुआती जानकारी मिल पा रही है कि आपसी रंजिश होने की वजह से यह पूरी घटना घटी और पूरी घटना के दौरान जो है व्यक्ति को गोली लगी है। हालांकि घायल व्यक्ति के साथ किस तरह का आपसी रंजिश था और किन के साथ था, तमाम चीजों की गिरफ्तारी होती है आपका रुख करेंगे, आप नजर बनाए करके रखिएगा। तमाम जानकारी को इमरान बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करती रहूंगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।